प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना मुश्किल है, लेकिन इन आपदाओं से होने वाले जान माल की नुकसान को अवश्य रोका जा सकता है। आपदा प्रबंधन का अप्रोच पहले के सरकारों में राहत केंद्रित रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति को बदलते हुए आपदा के लिए प्रोएक्टिव होने पर जोर दिया। ये सही है कि हम आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उस आपदा से नुकसान कम से कम हो इसके लिए व्यवस्था तो जरूर बना सकते हैं। इस नीति को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार द्वारा आपदा से देश में होने वाले जन हानि को शून्य करने यानी मिशन जीरो कैजुअल्टी का लक्ष्य रखा है। इस समग्र सोच का ही नतीजा है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले बिपरजॉय तूफान में एक भी जन हानि नहीं हुई। ओडिशा में आए तूफान फनी एवं बिपरजॉय तूफान का प्रबंधन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इस ऐतिहासिक सफलता का बड़ा कारण अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा मिले पूर्व सूचना और अनुमानित नुकसान को रोकने के लिए सक्रिय नीति और पूर्व तैयारी भी है। मित्रों, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ साइक्लोन जब लैंड करता है और उसके तीसरे दिन शाम को इसका रिव्यू करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि एक भी व्यक्ति की जान इस साइक्लोन में नहीं गई है, तो काम करने का संतोष भी होता है और काम करने का आनंद भी होता है। बिपरजॉय तूफान की जानकारी मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मीटिंग कर राहत और बचाव की रूपरेखा तैयार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कई स्तर पर बैठकें हुई और सभी एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ बिपरजॉय से निपटने के लिए कई फैसले लिए गए। रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर नीति के तहत NDRF की 19, SDRF की 13 और 2 रिजर्व बटालियन की तुरंत तैनाती की गई। विनाशकारी बिपरजॉय से बचाव के लिए लगभग 1,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, साथ ही लगभग इतने ही मछुआरों को तट पर लाकर उनकी जान बचाई गई। इतना ही नहीं, इस आपदा के दौरान 707 गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में सफल प्रसव का प्रबंधन अपने आप में एक बड़ी सफलता है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों में जान माल के नुकसान को रोकने के लिए कई शेल्टर बनाए गए और 450 अस्पतालों का चयन कर जरूरी दवाइयों का स्टॉक भी किया गया। इसके साथ ही 73,000 मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 3,27,000 से अधिक वृक्षों की छटाई एवं 4,300 से अधिक होर्डिंग्स को हटाने के साथ ही लगभग 21,000 से अधिक नौकाओं, 54 जहाज और 27 बड़े जहाजों को समुद्र से निकाला गया। तूफान के बाद बिजली आपूर्ति 3 दिनों के अंदर ही बहाल कर दी गई। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की पूर्व चेतावनी से लेकर कुशल प्रबंधन की शानदार सफलता अपने आप में सभी राज्यों और एजेंसियों के लिए एक केस स्टडी है। मोदी सरकार ने बिपरजॉय तूफान से सफलता पूर्वक निपटकर भारत को वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबंधन में उच्च स्थान दिलवाया है। आपदा प्रबंधन के इसी मानक को बनाए रखकर हमें आने वाली पीढ़ी को आपदा प्रतिरोधी नए भारत का नया उपहार देना है।